हमारे चटपटी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ झटपट बनने वाला गाजर का हलवा। गाजर का हलवा वैसे तो सभी को बहुत ही पसंद होता है और मुझे भी बहुत पसंद है। ये मैं आपको आज बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिससे आपका मन करे जब भी गाजर का हलवा खाने का तो आप जल्दी से बना लें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब इसे हम इसी तरह चलाते जाएंगे और हमारे पूरे गाजर को हम घी में फ्राई कर लेंगे। और इसमें आपको अपना जो फ्लेम है वो ना एकदम हाई रखना है और ना एकदम लो रखना है। आपको अपना फ्लेम जो है वो मीडियम पे रखना है और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है घी में। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये रेसिपी है। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी को अगर घर पे बनाएंगे तो आप ये बहुत जल्दी बनेगा और बहुत इजी है और खाने में उतना ही टेस्टी। ठीक है, ये अच्छी तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है घी में। अब इसे हम ढक देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। जब तक हमारा गाजर पक रहा है तब तक हम इसे छील लेते हैं, इलायची को, और इसके दाने हम जो है निकाल लेते हैं। दोस्तों, बहुत लोग जो है ऐसे ही डाल देते हैं, वो मुंह में जाने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे जो है मुंह में फ्लेवर भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये हम पूरे ऐसे छील लेंगे और इसे अच्छी तरीके से बारीक से कूट लेंगे। तब तक हम एक बार अपना गाजर भी है जो है इसे चला लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये हो रहा है। इसे लगभग हम 5 मिनट ऐसे ही ढक करके पकाने वाले हैं, 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से पक करके अपना पानी छोड़ दे, अपना फ्लेवर छोड़ दे। तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसे हम चलाते रहिएगा। अगर आपका ये नीचे का बेस अगर ये पकड़ लिया तो आपका पूरा फ्लेवर जो है खराब हो जाएगा, इसलिए आपको जो है चलाते रहना है बीच बीच में हर 2 से 3 मिनट पर। और दोस्तों, अगर आप ऐसे करके इसे देख सकते हो, ऐसे करके अगर आप ढक करके पकाओगे तो ये बहुत ही जल्दी तरीके से पक जाएगा अपने भाप से और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसे फिर से ढक के हम पकाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे कितनी अच्छी तरीके से ये पक चुका है। इसे पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर हम जो है सबसे पहला इलायची डालेंगे। और दोस्तों, हमें इसमें शक्कर जो है सबसे लास्ट में डालना है। इलायची डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इलायची लास्ट में डालने से इससे क्या होता है, इलायची का फ्लेवर जो है वो बना रहता है और इसमें स्मेल भी बनी रहती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, स्मेल भी आता है। अब इसके अंदर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत लोग जो है ड्राई फ्रूट्स लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैं इसके साथ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये जब साथ में पक जाता है तो मुंह में जब जाता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देख रहे हैं ना आप कितना ये टेस्टी लग रहा है, यम्मी। अब साथ में मैंने दोस्तों दूध की मलाई निकाल के रखी थी, आप वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो चलेगा वो भी। मैंने इसमें मलाई रखा था,
और बहुत लोग दोस्तों इसके अंदर जो है ये डालते हैं, खोआ डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये घर पे जो है इंस्टेंट बनने वाला है, अगर आप नहीं डालोगे, बहुत ही हेल्दी है, वो स्किप भी कर सकते हो। अब इसे आप लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग मैंने 1 बाउल यहाँ पर जो है शक्कर लिया है। शक्कर आपके ऊपर है, आपको जितना चाहिए टेस्ट। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं, अगर कम पसंद करते हैं, कम खाते हैं, तो आप कम शक्कर डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसे भी अच्छी तरह से कैसे मिक्स कर लेना है, और इसे स्लो फ्लेम पर, अब इसका फ्लेम जो है आपको स्लो ही रखना है, और लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेना है। तो दोस्तों हमारा हलवा जो है बनकर के रेडी है। आप देख सकते हैं ये साइड साइड में है, अपना हल्का हल्का जो है ऑयल छोड़ने लगा है, या घी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। और दोस्तों अगर इसमें आपको और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, और आपको जो शक्कर है वो लास्ट में ही आप ऐड करना, उससे जो है आपका हलवा का जो फ्लेवर है और ही अच्छा आता है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।